हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड प्लाजा। तो आज हम आपके साथ आलू की कचौरियों का रेसिपी शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, हाफ के जी के लगभग हमने आलू बॉईल कर लिया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारे आलू को इस तरीके से निकाल देते हैं। और यहाँ पर हमने देखिए आलू और बैंगन और टमाटर का भरता बनाया है फ्राई करके। इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राई करके सोना कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसकी रेसिपी हमने एक शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी अलग से। तो यहाँ पे हमने आलू का छिलका निकाल के तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने सारी सामग्री रखी है, मटर है, प्याज, लहसुन का हमने कूट लिया है, अदरक को भी कूट लिया है। यहाँ पर मिर्ची हमने काट लिए हैं छोटे छोटे। यहाँ पर मटर है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता और प्याज है फ्राई करने के लिए। तो आइए फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई गर्म होने के बाद ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पे हम मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची जो कट किए हैं। ये देखिए, मिर्ची रेड हो जाने के बाद हम उसमें कूटी हुई लहसुन डाल देंगे और अदरक कूटी हुई डाल के इसको फ्राई करेंगे। हल्का सुनहरा हो जाने के बाद हम इसे कटी हुई प्याज डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। और हम प्याज को सुनहरा लाल होने तक अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे और मटर को हम धीमी आंच में मीडियम फ्लेम पे कहिए तो अच्छे से फ्राई करेंगे पहले। ये देखिए, देख सकते हैं आप, मटर भी हमारा है जो सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, फ्राई हो चुका है मटर। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, सबको अच्छे से मिला लें। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। सबको अच्छे से भून जाने के बाद मसाले को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाली हूँ। और इस तरीके से अब आलू को मैश करते हुए आप डाल दें यहाँ पे भूनने के लिए। सारे आलू को हमने डाल दिया है, सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, और सारे मसालों को हम, ये देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल रहे हैं और सब सारे चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करके भून लेंगे। ये देखिए, हमने सबको भून कर तैयार कर लिया है आलू को अपना, और वहाँ ऊपर से धनिया का पत्ता डाल दे रही हूँ। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा होने देंगे आलू को। उसके बाद हम जब तक हमारा आलू ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पे आटे की डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है, अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी ऊपर से डालेंगे। और डो को सॉफ्ट करने के लिए, हमारी जिससे कचौड़ियाँ फूली फूली और सॉफ्ट हो, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइन भी डाल सकते हैं और सबको अच्छे से मिला दें। आप चाहें तो बेकिंग सोडा या पाउडर भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके हम अच्छा सा डो तैयार कर देंगे। ज़्यादा हार्ड ना आटा गूंदे, नहीं तो कचौड़ियाँ हैं जो हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट ही डो रहेगा। तो यहाँ पे हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो है आलू है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे ऊपर से, इससे जो कचौड़ियों का टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ये देखिए, हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे, पहले क्रश करके ऊपर से डालकर मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे छोटा सा लोई बना के इस तरीके से अंगूठे से दबाते हुए हम साइज़ बना लेंगे और इसमें स्टफ करेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए। और थोड़ी सी यहाँ पे आलू को ले लीजिए, इस तरीके से दबाते हुए इसको बंद कर दें ये ऐसे। और ये देखिए, हमारा तैयार हो चुका है लोई, और इसको दबाकर हम कचौड़ियों का शेप दे देंगे इस तरीके से दबाकर। ज़्यादा ना दबाए, नहीं तो आलू बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे को तैयार कर लेंगे, सारी कचौड़ियों को। अब यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, ऑयल हमने डाल दिया था पहले ही। अब देखिए, यहाँ पर हम सारी कचौड़ियाँ डाल देंगे और इन सारी कचौड़ियों को आप हाई फ्लेम पे ना बनाएं, नहीं तो सब जल जाएगी। इसको मीडियम फ्लेम पे ही तले। ये देखिए, कितने अच्छे से फूल चुकी हैं हमारी कचौड़ियाँ, आप देख सकते हैं। कचौड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी है फ्राई होकर, हम सबको निकाल लेंगे। इसका ऑयल हम बाहर निकल जाने देंगे, उसके बाद हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल के रख लेंगे।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है फूल फूल कचौड़ियाँ। इसी तरीके से बाकी सारी कचौड़ियों को हम तल लेंगे। और ये देखिए हमारा कचौड़ी रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो बैंगन का भरता बनाया था फ्राई करके वो है, और यहाँ पे हमने धनिया पत्ते की चटनी बनाई थी। ये कचौड़ियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये रात को डिनर में भी बना सकते हैं, नाश्ते पे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।